जब हम डेवलपमेंट विद डिग्निटी कहते हैं तो फिर हज विद डिग्निटी भी होना चाहिए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब सरकारी पैसों पर नहीं होगी हज यात्रा। हज पर जाने वालों को नहीं दी जाएगी सब्सिडी। इसी साल से बंद की गई रियायत की रवायत। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में किसी भी तरह से धर्म के आधार पर तुष्टिकरण अब नहीं होगा। इसके उलट अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए काम किया जाएगा। भारत सरकार हर साल सब्सिडी के नाम पर 700 करोड़ रुपए खर्च करती है। मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि सब्सिडी से बचा ये पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, बल्कि मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर खर्च होगा। वैसे भी सब्सिडी के इस पैसे का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि इससे दलालों की ही चांदी रहती है। इस साल हज यात्रा के लिए 1,75,000 लोग जाने वाले हैं, जिन्हें अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार गरीबों के लिए अलग से व्यवस्था कर रही है। हमने इम्बार्केशन पॉइंट के भी कई जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां से सस्ते दर से भी हज यात्रा पर लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो आने वाले दिनों में हम पानी के जहाज से भी हज यात्रा शुरू कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2012 में फैसला सुनाया था कि 2022 तक धीरे धीरे इस हज सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के उत्थान पर इस पैसे को खर्च करने के उद्देश्य से सब्सिडी को बंद करने का फैसला जल्द से जल्द ले भी डाला है।